बच्चों इस वीडियो में हम लाए हैं ए लिटिल और ए फ्यू का प्रयोग। ये यूज़ 10th, 12th, 8th, 5th सभी क्लासेस में पूछा जाता है और ये फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। तो बच्चों इसमें ए लिटिल और ए फ्यू का यूज करना है, तो देखते हैं ये कैसे यूज होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो उसमें हम उसके पहले हम ए लिटिल का यूज करेंगे, और यदि कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो उसके पहले हम ए फ्यू का यूज करेंगे। बच्चों ये कोई ज़्यादा कठिन रूल नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको समझ लें कि यदि जो ना गिनने वाली संज्ञा होगी, यानी कि नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो उसमें हम ए लिटिल का यूज करेंगे, और जो बहुवचन प्लूरल गिनने वाली संज्ञा होगी, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो उसके पहले हम ए फ्यू का यूज करेंगे। बस ये इतना सा ही रूल है, और इसका मतलब होता है थोड़ा या कम, इसका भी मतलब होता है थोड़ा या कम, दोनों का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम। बस इसके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है कि ए लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल में और ए फ्यू लगाते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है ही हैज़ बुक्स, ये बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए फ्यू। नेक्स्ट है देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू आएगा। नेक्स्ट है देयर इज वाटर इन द पॉन्ड, यानी कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल। तो देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स, शुरू में डैश है, स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर ए लिटिल या फिर ए फ्यू का यूज करना है। तो बच्चों ये स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए फ्यू। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है शुरू में ब्लैंक है, वाटर वॉज यूज्ड, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल। और नेक्स्ट दिया है ही हैज़ बॉट मिल्क, बच्चों मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल। नेक्स्ट है देयर वॉज डैश टी इन द कप, तो टी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल। नेक्स्ट दिया है डैश बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, बॉयज बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा ए फ्यू बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है डैश मनी वॉज स्पेंट, मनी बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आएगा ए लिटिल, मनी वॉज स्पेंट। यदि यहाँ पर रुपीस लिखा होता तो ए फ्यू आता। नेक्स्ट है देयर इज डैश बटर ऑन द ब्रेड, बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल। बच्चों ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए लिटिल और ए फ्यू का यूज पूछा जाता है। ये भी 12th, 10th, 8th और 5th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बच्चों इसको तैयार कर लें। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।